AI टेक्नोलॉजी चैट GPT। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए AI चैट GPT के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? हाल ही में जो नई टेक्नोलॉजी आई है AI टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार AI टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आने वाले भविष्य में पूरा दृश्य टेक्नोलॉजी का चेंज कर सकती है। जो भी स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए AI टेक्नोलॉजी कितनी फ़ायदेमंद और कितने नुकसानदायक हो सकती है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी AI टेक्नोलॉजी नया रूप लेकर आ रही है। 2021 में जब OpenAI ने डाल ई जारी किया था, बच्चों को अपने आर्ट वर्क बनाने में मनपसंद फोटो और थीम के साथ प्रयोग करने में मदद मिली। जब गत वर्ष ChatGPT आया तो मेरे पति ने बच्चों को मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करने दिया, पर बच्चों पर गौर करने के बाद मैंने महसूस किया कि AI किसी प्रशिक्षु के लिए जानकारी जुटाने में सहायक हो सकता है, लेकिन उनके लिए सोचने का काम नहीं कर सकता। यानी बच्चे अर्थों में सीखने की बात जो है ये करें तो यह कोई मदद नहीं कर सकता। मानव बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता से अलग होती है। मानव बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। हमारा मस्तिष्क प्लास्टिक की तरह है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, यह विकसित और बढ़ता जाता है और मानव बुद्धि मानव के एक दूसरे पर प्रभाव निर्भर करती है। जैसे ही हम किसी के संपर्क में आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने चारों ओर की दुनिया पर विचार करते हैं और उस दुनिया से रिश्ते सुधारने की इच्छा रखते हैं। हम सब एक दूसरे को जानने और जुटने की इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, पर इस सर्वाधिक मूलभूत जन्मसिद्ध अधिकार के लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रशिक्षु जैसी स्वाभाविक जिज्ञासा और जुनून का अनुसरण करते रहें। बिना इस उस सामाजिक भावनात्मक तत्व की जानकारी या समूचा बेईमाना है, अर्थात इसके बिना हो ही नहीं सकता। शिक्षा में सामाजिक भावनात्मक और समस्या आधारित शिक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। अनुसंधान में पाया गया है कि हर आयु वर्ग के छात्र तब बेहतर सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं जब उन्हें ऐसा अवसर मिले कि उनके सीखने में प्रयुक्त सामग्री इस क्लासरूम के बाहर भी उनके जीवन से जुड़ी हुई हो। छात्रों द्वारा AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा के उन सरोकारों से कई मायनों से अलग है। AI प्रशिक्षण के में अवसर देखा गया है कि एक व्यक्ति एक बॉट के साथ काम करता है, जैसे कि एक AI टूल कहता है आपको तुरंत जवाब देता हूँ। छात्रों को पर्यावरण संबंधी तथ्य जुटाने में, समस्याओं का हल ढूंढने में और कोई रचनात्मक तरीका तलाशने में AI सूचनाओं की क्राउड सोर्सिंग से मदद तो कर सकता है, लेकिन AI छात्रों को सोचने, विचारने या याद रखने के लिए प्रेरित नहीं करता और तथ्यों और जानकारियों का संकलन करना ही सीखना नहीं कहलाता। अगर आप वाक्य में चाहते हैं कि विद्यार्थी कुछ सीखे तो उन्हें अपने न्यूरल नेटवर्क को मजबूत करना होगा, यानी कि अपने वास्तविक दिमाग को काम में लेना होगा। वास्तविक जीवन में जो आपसी समन्वय होता है उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। जैसे शिक्षक छात्र और साथी छात्रों के बीच परस्पर सीखने की प्रक्रिया, ताकि विकसित होने के लिए दिमाग की प्राकृतिक गति को प्रोत्साहन मिले। जब बच्चे AI के साथ जुड़ते हैं तो आपसी संवाद निराधार हो जाता है। यह कल्पना करना अजीब होगा कि कोई बोट हमारी बीमारी का उपचार कर सकता है या हमें वो शिक्षा दे सकता है जो एक शिक्षक हमें शिक्षा देता है। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि AI टेक्नोलॉजी हो सकता है तथ्यों को जुटाने में सहायक हो, लेकिन बच्चों को मूल शिक्षा देने में AI टेक्नोलॉजी कभी भी कामयाब, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी एक तथ्यों के आधार पर रिप्लाई करता है। एक तथ्यों के आधार पर बच्चे को जो भी क्वेश्चन बच्चे जवाब करते हैं उनका रिप्लाई देता है, लेकिन मनुष्य के सोचने की कैपेबिलिटी अलग होती है। जो बच्चा क्लासरूम में सीखता है वो AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं सीख सकता। तो ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि AI ChatGPT आने वाले क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना कारगर सिद्ध होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको नियमित हमारे YouTube चैनल ज्ञानकाड्डा पर मिलते रहते हैं। आप ज्ञानकाड्डा YouTube और Telegram चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। उसके साथ हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है बैंकड्डा, जिस पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित प्रदान की जाती हैं।
हमारा तीसरा YouTube चैनल है हेल्थ अड्डा। आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ अड्डा से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।